धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अति पवित्र महान महिमा में परमेश्वर पिता में एक बार फिर से मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में आज के शाम के बेला में प्रभु इस ठंडे पहर के समय प्रभु जबकि एक बार फिर से अवसर मौका दिया सभी भाई बहनों के लिए सभी बेटा बेटियों को प्रभु, तो आइए मेरे प्रिय मसीह भाव ने इस समय अपने सारे चिंताओं को अपने सारे दुखों को अपने सारे प्रॉब्लम को अपने सारे जो है उस बीमारी को आज मेरे प्रिय अपने परमेश्वर के सम्मुख में रखते हुए, क्योंकि वचन में बताता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और तुम सारे मन से सारे दिल से तुम मेरे पास में आओ और प्रार्थना में मांगो तो मैं आज तुमको सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया 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 यस 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 यस। ओ यीशु पापा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ। आज मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता हर एक बेटा बेटी, आज मैं चाहता हूँ प्रभु जी हर एक भाई बहन, आज मैं चाहता हूँ हर एक वो लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी क्यों ना हो, आज होने दे पिता, आज होने दे प्रभु जी। आज इधर उधर भटक रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे प्रभु, ठोकर के कारण सह रहे थे पिता, अनजाने में थे प्रभु जी, आज प्रभु नाश हो रहे थे पिता, लेकिन मैं आज खुदा बाप प्रार्थना करता हूँ, लेकिन आज मैं खुदा बाप प्रभु आपसे बात करता हूँ। होने दे परमेश्वर, ना तो बल से ना तो शक्ति से, लेकिन परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, ओ परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ्य द्वारा, हे प्यारे प्रभु यीशु पापा, ओ प्यारे प्रभु यीशु पापा, तू छू ले पिता, टच कर प्रभु जी अंधकार के सारे शक्तियों को प्रभु। आज हम इसी वक्त, ओ आज की सुंदर मेरे प्रभु, आज शाम के बेला में प्रभु, जबकि प्रभु हर एक बेटा बेटी प्रभु इस समय पिता तेरे पास में प्रभु विश्वास के साथ सभी लोग बैठे हैं, आए हैं प्रभु सभा में प्रार्थना करने के लिए, सभा में प्रार्थना में जुड़ने के लिए प्रभु, प्रार्थना मीटिंग में प्रभु जुड़े हैं पिता। मैं प्रभु आज प्रार्थना करता हूँ एक एक उन प्रिय भाई बहनों के लिए, एक एक उन प्रिय जनों के लिए प्रभु, जो आज निराश है प्रभु जी, जो आज हताश है प्रभु, जो आज प्रभु समस्या में है, जो दुख में है प्रभु, आज वो कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, आज वो बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हे मेरे खुदा परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं, आज हम दुआ करते हैं प्रभु जी। ना जाने से कितने भाई और बहन है, ना जाने से कितने बेटा और बेटी है प्रभु जी, जो आज पिता वो मौत की कगार में फंसे हुए है पिता, वो दलदल में फंसे हुए हैं प्रभु जी। आज प्रार्थना करता हूँ आज उस दलदल की कीच से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु, ओ राजा राजा धन्यवाद। आज मेरे प्रभु प्रभु यीशु मसीह आपको कह रहा है, आज उस मौत के कगार में आप खड़े हैं, लेकिन आज खुदा कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे और मेरे प्रियजनों तू प्रार्थना करना स्टार्ट कर दे। ओ प्रभु यीशु का लहू आपको मेरे प्रिय चंगा करेगा। मेरा परमेश्वर जिंदा है मेरे प्रियो, और वह आपके जीवन में आज काम करेगा, आपके परिवार में आज काम करेगा, और आपके सारे दुखों को सारे दर्दों को वो ठीक करने वाला है। और आज मेरे प्रियो बिल्कुल भी आज रोना धोना बंद करो, प्रभु से मांगो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु के सम्मुख में गिड़गिड़ाओ, रो पश्चाताप करो। हो सकता है आपके सारे दर्द को, हो सकता है आपके सारे समस्या को, हो सकता है आपके सारे ऐसे बीमारी के बंधनों को आज वो परमेश्वर जड़ से खत्म करेगा। आज रोना धोना बंद कर, केवल तू प्रार्थना करना स्टार्ट कर, प्रभु से बात कर, प्रभु से बात कर, प्रभु से मांग, प्रभु से आज बोल दे कि प्रभु तू ही मेरा चरवाहा, तू ही मेरा आज शरण स्थान और बल है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा चट्टान है, तू ही मेरा ढाल है। हालेलुया हालेलुया यस 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 यस। आज मैं चाहता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, कोई भी बेटा बेटी आज पिता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो मेरे परमेश्वर पिता, रोडपति हो चाहे करोड़पति प्रभु जी, अगर वो मौत के बंधन में फंसे हैं आज, मौत के आज मेरे प्रिय चंगाई के दरवाजे बंद हो गए हैं आज मेरे प्रियो, वो आज जो है दुख और समस्या उनका ठीक नहीं हो पा रहा है, और वो ऐसे चलते चलते वो बहुत से आज लोग हैं जो मौत की कगार में फंसे हुए हैं, आज वो मौत उनका सामना करना मौत का सामना उनको करना पड़ रहा है, लेकिन आज मेरे प्रियजनों प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात कर रहा है, आज आपको कह रहा है कि मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों चिंता मत करो, आज मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों चिंता मत करो, आज परेशानी मत उठाओ, आज दुखों को उठाना बंद करो, आज दुख
नहीं रहेगा आपके जीवन में, आज वो समस्या नहीं रहेगा आपके जीवन में, वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, वो दुख और परेशानी नहीं रहेंगे। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। ओ राजा राजा धन्यवाद 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 धन्यवाद। चंगा करने वाला परमेश्वर धन्यवाद। यीशु पापा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मेरे प्रभु धन्यवाद। आइए मेरे प्रियजन सभी लोग इस समय अगर कुछ क्षण प्रभु के सम्मुख में बात करेंगे, कुछ समय एक मन और एक चित हो जाएंगे, क्योंकि वचन में हम देखते हैं जब मेरे प्रिय तिमाई का पुत्र बरतिमाई जब अंधा लंगड़ा रोड किनारे बैठकर भीख मांग करता था, हम देखते हैं उन्होंने जो है एक मन और एक चित होकर प्रभु के सम्मुख में पुकारना स्टार्ट किया, और आगे हम देखते हैं उसके जीवन में क्या हुआ। हम देखते हैं उसके जीवन में कि जो है उन्होंने कहा कि हे दाऊद के संतान मुझ पापी पर दया कर, ओ आज मुझ पापी पर तरस खा, मैं जो अपराध करने वाला, मैं जो गुनाह करने वाला, मैं जो है इधर उधर भटकने वाला, आज मेरे प्रभु मुझ पर तरस खा, मुझ पर आज दया कर। आज सारे बंधन टूटने लगेंगे, सारे समस्या हटने लगेंगे, सारे बीमारी जड़ से खत्म होने लगेंगे। हालेलुया हालेलुया। वो बीमारी का बंधन, वो श्राप का बंधन, वो कर्ज का बंधन आज हटेगा मिटेगा। आज रोना धोना बंद कर, गिड़गड़ाना बंद कर, आज यीशु के लहू में आज जीवन पाओगे, यीशु के लहू में जीवन पाओगे, यीशु के लहू में शांति पाओगे, यीशु के लहू में आनंद पाओगे, यीशु के लहू में खुशियां पाओगे। आज मेरे प्रभु इधर उधर बिल्कुल मत भटको, आज वो जीवित खुदा से प्रार्थना करो, आज जो मांगोगे सचमुच में मिल जाएगा। तुम्हारे दर्द को, तुम्हारे बीमारी को, तुम्हारी समस्या को, आज वो दर्द और पीड़ा के समय हो समय में आज है आप, ओ मेरे प्रभु चिंता के समय में है, ओ संकट के समय में है, ओ मुसीबत के समय में है। मेरे प्रिय प्रभु को पुकारो, मेरे प्रिय प्रभु को ढूंढो, प्रभु को खोजो, प्रभु के सम्मुख में अपने सारी बातों को रखो। हम देखते हैं जब हन्ना मेरे प्रिय जब प्रभु यीशु मसीह के पास में गई, तो हम देखते हैं उनके जीवन में बड़ा चमत्कार को, हम देखते हैं बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ। ओ आंधियां आई, तूफान आए, लेकिन हम देखते हैं अंत में क्या हुआ। उन्होंने गिड़गिड़ाकर रो रो कर पश्चातापी प्रार्थना उन्होंने प्रभु के सम्मुख में किया। आपको भी मेरे प्रिय पश्चातापी प्रार्थना करना है। वचन में लिखा है रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु जान कर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मरे हो में तुझे निश्चय ही झेलाया है, तो तू उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय मसीह भाई ने सचमुच में आज हम अपने मुंह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, और उस परमेश्वर के सम्मुख में मेरे प्रियो हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे परमेश्वर आपको छुएंगे, ओ प्रभु मेरे परमेश्वर आज आप छुएंगे, ओ प्रभु मेरे परमेश्वर आज आपको टच करेंगे। पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आज यीशु मसीह आपको मेरे प्रियो कह रहा है कि आज मैं तेरे जीवन को चंगा करूंगा, आज तेरे परिवार को मैं बचाऊंगा, आज तेरे परिवार को मैं खुद ठीक करूंगा, मैं तेरे जीवन को खुद ठीक करूंगा। आज मेरे प्रियो तड़पना छोड़ दे, आज इधर उधर भटकना छोड़ दे, आज परमेश्वर से बात करना स्टार्ट कर। प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा, यीशु के लहू आज आपको तुझे चंगा करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। यस 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 यस। धन्यवाद राजा धन्यवाद राजा। महिमा हो प्रभु जी, आराधना हो प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं पिता। मेरे प्रभु आज बदल पिता, मेरे प्रभु आज छू ले पिता, मेरे प्रभु आज टच कर प्रभु जी हर एक बेटा बेटियों को प्रभु। आज वो प्रभु जी सचमुच में पिता स्वर्ग से चंगाई मिल जाए, स्वर्ग से आनंद और शांति मिलने लगे प्रभु जी। आज वो टूट जाते हैं प्रभु, कई लोग घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं प्रभु, और दर दर भटकते हैं पिता इधर उधर प्रभु जी। उन दर्दों का सामना उनको करना पड़ता था प्रभु जी, लेकिन आज हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में एक एक बेटा बेटियों के जीवन को प्रभु जी आज तू बदल पिता, आज तू छू ले परमेश्वर, आज तू टच कर प्रभु जी। हे उद्धार करता परमेश्वर, हे सामर्थ्य परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज कोई भी बेटा बेटी आज वो प्रभु जी अब भवन से खाली हाथ ना लौटने पाए, आज वो चंगाई को अपने जीवन में देखने पाए पिता, आज वो चंगाई को रिसीव करने पाए प्रभु जी, आज वो चंगाई को अपने हृदय में देखने पाए पिता। मेरे प्रभु आज दया कर दया कर दया कर दया कर, धर्मी जन प्रार्थना के द्वारा चंगे होंगे। आज शरीर के दर्द दाद खाज खुजली रोग बीमारी सर्दी खांसी जुखाम जो भी बीमारी है शरीर में, जो भी आज टाइफाइड है पीलिया है, आज मेरे प्रियो आज कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी आपके जीवन में परेशान करके रखा है, आज आपके जीवन में टीबी जैसे बड़े बड़े बीमारी आपके जीवन में परेशानी को सामना करना पड़ रहा है,
लेकिन आज मेरा प्रभु मेरा खुदा आज आपसे कह रहा है, धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं और मानते हैं। ओ धन्य है वे जो मेरे परमेश्वर के पास में बैठे हैं और धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। हालेलुया मेरे प्रभु यीशु पापा, आज होने दे प्रभु एक एक बेटा बेटियों को प्रभु आज स्वर्ग में से चंगाई मिलने पाए, वो स्वर्ग से सच्ची शांति मिलने पाए, वो स्वर्ग से सच्चा आनंद मिलने पाए। आज वो तड़प तड़प के जीवन जी रहे थे, भटक भटक कर जीवन जी रहे थे, नाश हो रहे थे पिता, ओ दल दल में फंसे थे प्रभु जी, बीमारी में फंसे थे पिता, गरीबी में फंसे थे प्रभु, अंधकार में फंसे थे पिता। आज वो प्रभु जी कई प्रकार के दुखों और चिंताओं का सामना करना पड़ता था प्रभु जी, मुसीबतों का सामना करना पड़ता था पिता। मेरे प्रभु आज होने दे पिता, ओ मेरे प्रभु आज होने दे पिता। आज हर एक बेटा बेटी, आज हर एक भाई बहन, आज हर एक लड़का हो चाहे लड़की हो प्रभु, स्त्री हो चाहे पुरुष, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु वो समस्याओं का सामना करते करते बहुत सारे अपने आप को सुसाइड करना चाहते हैं, अपने आप को जो टेंशन में लाते हैं, पति पत्नी के बीच में ऐसा लड़ाई और झगड़ा हो जाता है प्रभु जी, उन बुराइयों से उन समस्याओं से वो तंग आ जाते हैं प्रभु जी, जिसके चलते अपने आप को प्रभु जी वो कष्टों में मुसीबतों में डालना चाहते हैं प्रभु। लेकिन आज की ये प्रार्थना एक बड़ी बदलाव को लेकर आने पाए उनकी जिंदगी के लिए प्रभु, उनके आस उनके परिवार के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। हे पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, हे परमेश्वर आज उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज वो सचमुच में बदल जाए, ओ सचमुच में वो जीवन पाए, शांति पाए और आनंद पाए, चंगाई छुटकारा पाए। मेरे परमेश्वर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, आपके दया आपके प्रेम आपकी आशीष और बरकत इनके साथ रहने पाए पिता। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद देता हूँ प्यारे परमेश्वर, आपकी आशीष आपकी सुरक्षा इनके साथ रहने पाए पिता। हे परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने सारे लोगों की प्रार्थना को सुना है प्रभु, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें।